ओके स्टार्ट। तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट क्या है, यूनिट क्या है, इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा सा मेजरमेंट को कॉमनली यूज करते हैं कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन यूज अगर मेजरमेंट का अगर हम लोग कहीं करते हैं तो वो है लेंथ का कैलकुलेशन में, ठीक है। तो बेसिक सर तीन पार्ट में हमको इसको पढ़ना है। पहला है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दूसरा है मेजरमेंट ऑफ टाइम और तीसरा है मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। तो बेसिकली हमको MLT का कैलकुलेशन करना है। तो अभी अपन क्या करेंगे, हम लोग लेंथ का कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट का, लेंथ का मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जो लेंथ का मेजरमेंट करने वाले हैं उसमें क्या होता है, हम लोग बहुत सारे डायरेक्ट मेथड्स के बारे में जानते हैं और हम लोग उसको प्रैक्टिकल यूज में भी लाते हैं। तो वो जो हम लोग जो प्रैक्टिकल यूज में लाते हैं ना उन सब चीजों को, तो जो चीजें हम लोग प्रैक्टिकल यूज में लाते हैं उसी में एक डिवाइस होता है मीटर स्केल, एक डिवाइस होती है मीटर स्केल, एक ऐसा स्केल जिसका लेंथ 1 मीटर हो, जिसको सेंटीमीटर में सब डिवाइड करके या मिलीमीटर में सब डिवाइड करके ग्रेजुएट किया गया हो 10 divisions ऑफ ईच लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, ऐसे स्केल को बोलते हैं अपन मीटर स्केल। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, मीटर स्केल। तो बेटा मीटर स्केल जो हो गया वो क्या हो गया, एक ऐसा स्केल जिसका लेंथ 1 मीटर हो, जिसको हम लोग ग्रेजुएट करते हैं सेंटीमीटर के सब डिविजन्स में, mm भी मौजूद हो माने मिलीमीटर का सब डिविजन जिसमें मौजूद हो, और ऐसा 10 divisions जिसमें 1 सेंटीमीटर का मौजूद हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे मीटर स्केल। एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसको देख सकते हैं। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये मैं कह दूं कि अगर मुझे, अगर मैं कह दूं कि अगर मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी है बेटा, मुझे अगर ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर देखिए आपके पास एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये जो डिस्टेंस है आपका, अच्छा तो ये आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आपको इस स्केल में आपको 10 पॉइंट दिख रहे हैं क्या, इसी स्केल को बोलते हैं मीटर स्केल, इसी स्केल को बोलते हैं क्या बोलते हैं अपन, मीटर स्केल बोलते हैं। अब इस मीटर स्केल के लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट क्या होती है बेटा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है कि वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जिसको हम लोग एक्यूरेटली ले सकते हैं उसको अपन बोलते हैं लीस्ट काउंट, उसको अपन बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो अब जो हमारे पास ये जो स्केल आया था, उस स्केल में लीस्ट काउंट क्या होगा, तो मीटर स्केल के केस में जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। क्या होता है बेटा, 0.1 सेंटीमीटर, क्या होता है बेटा, वो 0.1 सेंटीमीटर। और मजे की बात आपको पता है, ये लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन, इंस्ट्रूमेंट उतना प्रिसाइज वैल्यू देगा, इंस्ट्रूमेंट आपका उतना प्रिसाइज वैल्यू देगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि मीटर रूल और स्केल जो है, मीटर स्केल जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, उसके एक डिवीजन का वैल्यू क्या है, 1/10 of a centimeter, यानी कि 1 millimeter है। क्या बेटा, 1 millimeter है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, उसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर या 1 millimeter। क्या हो गया बेटा, 0.1 सेंटीमीटर या 1 millimeter, एक मीटर स्केल के ले लिस्ट काउंट का वैल्यू हो गया। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। तो ये कुछ हमारा बेसिक सा टर्म था, जिसके बाद हम लोग अभी मीटर स्केल को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए बेसिकली हमको अभी इसमें जो पढ़ना है वो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, एक पढ़ना है मीटर स्केल, एक पढ़ना है वर्नियर कैलिपर और एक पढ़ना है स्क्रू गॉज। ये जो हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इसमें बेसिकली ये जो मीटर स्केल है अपना, ये 10^-3 meter से लेके 10^2 meter, मतलब कि किलोमीटर तक के बात को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारा यूज हो सकता है। ये जो अपना वर्नियर कैलिपर होता है, ये 10^-4 meter की एक्यूरेसी तक को मेजर कर सकता है, ठीक है। ये 10^-4 meter तक की एक्यूरेसी को मेजर कर सकता है। वहीं जो अपना ये स्क्रू गॉज होता है, ये 10^-5 meter तक की एक्यूरेसी, इसका एक्यूरेसी पॉइंट क्या है, 10^-4 meter, इसका एक्यूरेसी पॉइंट क्या है, 10^-5 meter, और इसका एक्यूरेसी पॉइंट क्या है, 10^-3 meters। अब कुछ कुछ मेजरमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस रेंज से भी बियॉन्ड होते हैं, ठीक है।
और वैसे रेंजेस को हम लोग जनरली जो टर्म करते हैं, जो कि हमारा एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के रूप में आता है, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो कि इन सब रेंज के बीच में नहीं आता है, तो वो मेथड जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलेक्स मेथड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैरेलेक्स मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलेक्स मेथड। तो टोटल हम लोग के पास कितने तरह के मेजरमेंट के प्रोसीजर्स हो गए? चार तरह के बेसिक हमारे मेजरमेंट के प्रोसीजर होते हैं। कितने तरह के? चार तरह के। तो बेसिकली जो डिवाइस यूटिलाइजेशन है वो तीन हमको पढ़ना है अभी, हालांकि हमको तीन ही पढ़ना है तो हम तीनों पर फोकस करेंगे, बट फॉर एडिशनल नॉलेज हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मीटर स्केल से। मीटर स्केल क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या करना होता है अपने को, मीटर स्केल में अपने को बेसिकली क्या करना होता है कि देखिए ये एक अपना मीटर स्केल है, ठीक है। इसमें हमको जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेजर करना है, जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ को हमको मेजर करना है उसको प्लेस कर दीजिए। सपोज कीजिए कि इस लाइन को हमको मेजर करना है, ये लाइन आप ड्रॉ कर दो, एक लाइन आप ड्रॉ कर दो, अपन को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच का लेंथ मेजर करना है। हाँ बेटा, ये लेंथ आपको मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, इसको अपने इधर पॉइंट कर दिए, इसको इधर अपने प्लेस कर दिए। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया, इसको जीरो मार्क से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो मार्क से अपन स्टार्ट करते हैं। ले बेटा, ये क्या हो गया अपना? जीरो मार्क से स्टार्ट हो गया। इधर से देखो, इसे ये हो गया अपना जीरो मार्क, यहाँ से अपना स्टार्ट कर दिया हमने। अब जीरो पर जब ये हमारा कॉन्साइड कर गया विद द ऑब्जेक्ट, तो हम फिर क्या करेंगे फर्दर? हम फिर फर्दर उसमें करेंगे क्या कि हम रीडिंग ऑफ मार्किंग ऑन द स्केल को रिकॉर्ड करेंगे। रीडिंग को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो रीडिंग को कैसे रिकॉर्ड करेंगे बेटा? तो मैं इस जीरो से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की दूरी को काउंट करूंगा, इस पर्टिकुलर दूरी तक की लेंथ को मैं मेजर करूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप, एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार डिवीजन, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, इसका लीस्ट काउंट मैंने क्या बोला था? 1 मिलीमीटर। अब देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक दूरी 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर हो गई, फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर हो गई, अगेन आप यहां से देख रहे हो 4 सेंटीमीटर, ये हो गए 5 सेंटीमीटर, ये हो गए 6 सेंटीमीटर और ये हो गए 6.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? इसकी लेंथ आपको क्या दिख रही है? 6.5 सेंटीमीटर। क्या दिख रही है बेटा? 6.5 सेंटीमीटर आपको इसकी लेंथ दिख रही है, 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिख रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट के जो डिस्टेंस है, के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? 6.5 सेंटीमीटर है। तो अपन इस तरह से अपना मीटर स्केल का हम लोग यूज कर सकते हैं, फॉर वॉट रीजन? फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन एन ऑब्जेक्ट, टू पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम लोग रख के अपना डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया मीटर स्केल को कैसे यूज करते हैं, समझ में आया? ठीक है, जनरली हम लोग इसी तरह से इसको यूज करते हैं और ये हमारा ये है। चलिए अब इसमें क्या होता है, इसके यूटिलाइजेशन में थोड़ा सा कुछ कुछ हमको सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। वो सतर्कताएं क्या होती हैं उसको देखेंगे, प्रिकॉशंस जो हमको पुट ऑन करने हैं। इफ द एंड ऑफ द मीटर स्केल मार्क्ड जीरो वो डैमेज हो जाए वियर और टियर के कारण, तो ग्रेजुएशन अदर देन जीरो होगा, तो करेक्ट लेंथ जो होगा उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करने के बाद से मिलेगा, करेक्ट लेंथ जो हमको है उसमें से सब्ट्रैक्शन के बाद से हमको मिलेगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि डैमेज्ड अगर हमारे पास मीटर स्केल है, तो उस डैमेज्ड मीटर स्केल के केस में हम लोग लेंथ जो है जिसको हमको मेजर करना है, जो कि जीरो पर कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो हम उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो करेक्ट लेंथ जो हमारा है उसको ऑब्टेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगा वही हमारा करेक्ट लेंथ होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और जो होना चाहिए था वो वैल्यू, दोनों में से सब्ट्रैक्शन करने से हमको वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट तो हमारा जो आई है, द आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव, आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द करेस्पॉन्डिंग ग्रेजुएशन इन द लाइन ऑफ साइट शुड बी रीड
दिस अवॉइड्स द पैरेलेक्स एरर अराइजिंग ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द स्केल। अब देखिए बेटा, स्केल जो होता है पतला तो है नहीं, वो भी थिक है, तो हम लोग अगर उसको लेटरल व्यू से देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि पैरेलेक्स का इफेक्ट क्रिएट होगा। पैरेलेक्स के कारण क्या होता है कि एक पॉइंट जो है हमको वो दूसरे पॉइंट के साथ कॉन्साइड करता हुआ दिखता नहीं है, ठीक है, तो वो जिस पॉइंट पर उसको कॉन्साइड करना था वहाँ पर वो ना दिखे, कहीं दूसरी जगह दिखेगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो गलत हो जाता है। तो हमको इस तरह की गलती से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमको अपने आई को वर्टिकल कैप करना चाहिए, वर्टिकली एबव रखना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट का हमको मेजरमेंट करना है उसके ऊपर। क्लियर है क्या? थर्ड पॉइंट, इन केस इन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन टू स्मॉल डिविजन्स ऑफ द स्केल, करेक्ट लेंथ इज रिपोर्टेड बाई नोटिंग द मार्किंग नियरर टू द एंड, नियरर टू द एंड। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, उसमें ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। नियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि चार पाँच से कम है, तो पाँच से अगर कम है तो उसमें हमको क्या लेना होगा, राउंड करके उसको पाँच से कम में लेना होगा, जो भी वैल्यू होगी नियरेस्ट, ठीक है। अगर पाँच से ज्यादा है तो उससे एक ज्यादा हमको लेके चलना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा हमको मान के चलना है। क्लियर? चलो थर्ड है क्या, लिमिटेशंस ऑफ द मीटर स्केल क्या है, कि करेक्ट लेंथ जो है कुछ पर्टिकुलर डेसिमल, मैंने आपको बताया ना कि हमको 10^-3 मीटर माने कि मिलीमीटर के बाद इसमें हमको करेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, सर्टेन मिलीमीटर्स के बाद हमको करेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। अब हमको उससे छोटी वैल्यू जब निकालनी होगी तो अपन क्या करेंगे, अपन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज जैसे डिवाइसेस का यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज जैसे डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये था DVNL प्रिकॉशन। क्या था ये? DVNL प्रिकॉशन। तो DVNL प्रिकॉशन का डी क्या कहता है कि जब डैमेज्ड हो जीरो, जब जीरो डैमेज्ड हो तो जीरो के डैमेज होने के केस में क्या करोगे, करेक्ट लेंथ को ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर दोगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर दोगे, उससे आपको क्या निकल जाएगा, जीरो एरर निकल जाएगा। जीरो एरर ऑफ द डिवाइस अगर आपको मिल गया, जीरो एरर ऑफ द डिवाइस अगर आपको मिल गया तो वहां से आप फाइनली जो भी कुछ है आपका वैल्यू कैलकुलेशन का काम कर सकते हो, ठीक है। एडजस्टमेंट जो होता है वो कभी नहीं होता है सही, तो एडजस्टमेंट सही नहीं होने के केस में आपको जीरो एरर को क्या करना होगा, जो भी कुछ आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो, जितना भी राइट हो या लेफ्ट टू द जीरो हो, उसमें से हमको उस घटा देने से वैल्यू मिल जाएगी, उसमें से हमको पर्टिकुलरली उस वैल्यू को घटा देने से हमको मेरा रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है क्या? जो भी मेरा जीरो का करेक्शन है वो हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए डी भी डी हो गया। अब भी के बारे में देखते हैं, भी क्या कहता है, भी कहता है, भी मेरा क्या कहता है बेटा, भी मेरा कहता है वर्टिकली अबव द एंड अपने आई साइड को रखिए। वर्टिकली अबव द आई रखने से क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें पैरेलेक्स के कारण जो थिकनेस ऑफ द स्केल के कारण जो पैरेलेक्स क्रिएट हो रहा था उसका इफेक्ट जो है वो पैरेलेक्स इफेक्ट होगा थिकनेस के कारण, तो जो हमारी पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट है वो किसी और के साथ कॉन्साइड करती हुई दिखेगी और हमको एक्चुअल फिगर नहीं मिलेगा, तो वहां पर हमको रिलेटिवली एक एरर मिलेगा। तो उससे बचने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, अपना आई साइट को वर्टिकली अबव द ऑब्जेक्ट का एंड पर रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया भी। नियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट, ये हमारा DVN सेटिस्फाई हो गया। अब लिमिटेशन में क्या है कि ये 10^-3 मीटर के बाद इसका इफेक्ट नलीफाइड हो जाता है, तो ये हो गया हमारा प्रिकॉशन DVNL का, जिसको हमको कैप करना अपने माइंड में जब हम कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, और मेजरमेंट कब हम करेंगे, जब हम मीटर स्केल का यूज करके करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो चलो नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है, एक ऐसा डिवाइस, वर्नियर कैलिपर बेसिकली क्या हुआ कि इसको इन्वेंट किया था पियरी वर्नियर ने, पियरी वर्नियर ने ये डिवाइस इन्वेंट किया था। क्या है इसका कॉन्सेप्ट वो देखो, तो जो डिस्टेंस होता है स्मॉलर देन मिलीमीटर्स, जिसको हम लोग रेगुलर मेजरिंग स्केल या मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम वर्नियर कैलिपर का यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि हम एक एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस जो कि 10^-4 मीटर के रेंज में आता हो उसको कैलकुलेट कर पाए, उसको अपन कैलकुलेट कर पाए, ठीक है क्या। तो उसके कैलकुलेशंस के लिए हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, जो डिवाइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर डिवाइस, वर्नियर कैलिपर।
तो इसको हम लोग किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, लेंथ और इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर, इसका यूटिलाइजेशन हम लोग लेंथ मेजरमेंट में, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायामीटर एंड डेप्थ ऑफ द सिलेंडर एंड डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, डेप्थ ऑफ सिलेंडर को मेजर करने में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का ही हमारा ये यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इसका एक्यूरेसी का लेवल क्या होता है, 1/10 ऑफ मिलीमीटर, 1/10 ऑफ मिलीमीटर, ये इसका एक्यूरेसी का लेवल हो गया, 1/10 ऑफ द मिलीमीटर तक की ये एक्यूरेट वैल्यू हमको प्रोवाइड करता है, क्लियर है क्या। चलिए अब हम लोग इसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे थोड़ा सा। तो ये पहले दिखता कैसा है वो देखो, वर्नियर कैलिपर हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, वर्नियर कैलिपर आपका कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग को यूज करने का कुछ कुछ प्रिंसिपल्स होता है, तो वो प्रिंसिपल को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए अभी हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल होता है जो उसको गवर्न करता है। इस मेथड को यूज करके हम सेकेंड डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर पर अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि 0.1 mm और 0.01 cm तक की एक्यूरेसी के साथ हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि वर्नियर कैलिपर में हम लोग बेसिकली एक स्केल को फिक्स रखते हैं, एक स्केल हमारा फिक्स होता है और एक स्केल जो होता है जिसको हम लोग जो फिक्स स्केल है उसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल। ये देखिए आपका मेन स्केल के बारे में, ये जो नीचे वाला स्केल दिख रहा है ना, ये वाला, ये मेन स्केल हो गया। और जो स्लाइडिंग स्केल है जो स्लाइड करता है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, और यही स्लाइड करने की वजह से वर्नियर कैलिपर को स्लाइडिंग कैलिपर या स्लाइडिंग स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्लाइडिंग स्केल भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये वर्नियर कैलिपर जो होता है, एक वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट करता है एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर्स में ग्रेजुएट किया जाता है, और जो वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल जो होता है वो उस पर वो मूव करता है, ठीक है। तो डिवीजन जो होते हैं वर्नियर स्केल का वो स्लाइटली लॉन्गर होता है या स्लाइटली स्मॉलर होता है मेन स्केल के डिवीजन से। अब इसमें क्या होता है कि मेन स्केल के पास दो फिक्स जॉ होता है, मेन स्केल के पास क्या होता है, दो फिक्स जॉ होता है। उस जॉ में हम क्या करेंगे, उस जॉ में हम लोग क्या करेंगे कि पुट कर देंगे कोई ऑब्जेक्ट को। जब हम उस ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे और स्लाइड करेंगे वर्नियर स्केल को, तो वहां से हमको अपनी बॉडी का ये मिलता है, वैल्यू मिलता है। वी कैन मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंटरनल डायमीटर ऑफ द हॉलो ऑब्जेक्ट और डेप्थ ऑफ सम वेसल ऑल्सो, हाँ ठीक है। तो यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, अब डायमीटर अगर आपको निकालना है, सपोज कीजिए कि इसका हमको डायमीटर निकालना है, इस ऑब्जेक्ट का हमको डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, इसके जॉ के बीच में इसको पुट कर दिया। अब जैसे ही हम इसके जॉ के बीच में पुट करेंगे तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का वर्नियर कैलिपर और जो हमारा मेन स्केल के बीच का जो रीडिंग है उससे हमको लीस्ट काउंट मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको करिएगा तो आपको लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि वहां से उसकी वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। चलिए बहुत कुछ तो आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज हम बता देते हैं। जैसे कि एक चीज होती है वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, ये जो डिफरेंस बिटवीन वन मेल स्केल डिवीजन और वन वर्नियर डिवीजन होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन, ये देखो ये जो होता है ना अपना वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, ये देख बेटा वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये जो होता है इसको लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, और इसी लीस्ट काउंट को क्या बोलते हैं पता है, वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, वन मेन वैल्यू का वन मेन स्केल डिवीजन में से जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, माइनस कर दो। तो वर्नियर कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, बेटा सुनो ध्यान से, वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल फाइंड कर लो। सेकेंड क्या करो, सेकेंड स्टेप, स्टेप टू,
काउंट करो टोटल नंबर ऑफ कितने डिवीजन दिए हुए हैं वर्नियर स्केल में। जब आप उसको काउंट कर लोगे तो उसके बाद थर्ड स्टेप में मूव करो। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि मूवेबल जॉ जो दिया हुआ है ना, मूव करने वाला जॉ, उस जॉ को आप क्या करो, स्लाइड करो, ठीक है। और स्लाइड करो कहाँ तक, जीरो मार्क तक, जो फर्स्ट डिवीजन है किसका, वर्नियर स्केल का, जहां पर वो कॉन्साइड करेगा मेन स्केल के साथ। जो अपना ये जीरो होता है ना, ये जीरो जो है ना, यहां तक इसको स्लाइड करो। और जब इसका ये स्केल जो जहां तक इसका स्केल कोलाइड करेगा वो स्केल के साथ, उसका नंबर ऑफ स्केल डिविजन को कॉन्साइड जो कर रहा है उसको काउंट करो, ठीक है। तो कितना वो काउंट कर रहा है वही तुम्हारा उसका वर्नियर कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार बढ़िया से समझो डिवाइस देख के। देखो बेटा ये हो गया आपका मेन स्केल डिवीजन। कह रहा हूं मैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ मेन स्केल डिवीजन का स्मॉलेस्ट डिवीजन का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। अब आपको जब स्मॉलेस्ट डिवीजन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो इस वर्नियर स्केल में दिए होंगे बेटा, इस वर्नियर स्केल में, ये वाले स्केल में, ये जो ये वाला स्केल है ना, ये वाला, रुको दिखाता हूँ, ये वाला स्केल, इस वाले स्केल में जो डिवीजन दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करो। कितना डिवीजन है वो कैलकुलेट करो। अब क्या करो कि इस जॉ को स्लाइड करो, ठीक है। इस जॉ को स्लाइड करो, ये जॉ इसके ऊपर लाओ, दिस जॉ को पुट कर दो दिस जॉ के ऊपर। जब तुम इस जॉ के ऊपर पुट कर दोगे तो उसमें क्या होगा कि ये जीरो के साथ कॉन्साइड करेगा। क्या होगा, जीरो के साथ कॉन्साइड करेगा। जब ये जीरो के साथ कॉन्साइड करेगा तो देखो कि इस जीरो के साथ इस वर्नियर वाले स्केल का कितना जो डिवीजन है वो कॉन्साइड कर रहा है, और वो डिवीजन कौन सा कॉन्साइड कर रहा है उसको काउंट करो। जब तुम उसको काउंट करोगे तो वहां से तुमको फिर जो वैल्यू है लिस्ट काउंट की वो मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं आपको, हालांकि आपको शायद इसकी जरूरत नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, लेट अस से कि इफ एम मेन स्केल डिवीजन, मैं मेन स्केल डिवीजन को एमएसडी लिख देता हूँ, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, एम नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, एम एमएसडी जो है वो मेरा इक्वल है किसका, आर इक्वल टू एन वर्नियर स्केल डिवीजन वीएसडी, देन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते mx is equal to ny, वेयर वहां पर हमारा x क्या है, x इज लेंथ ऑफ 1 MST, वाइल y is length of 1 VSD। यही तो है बेटा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ जो है वो y हो गया और एक मेन स्केल डिवीजन का जो लेंथ है वो x हो गया। अब आपको यहां पर ये इक्वेशन मिल गया, क्या आप इस इक्वेशन से वर्नियर कांस्टेंट नहीं बता सकते हो, वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट, एलसी क्या है बेटा, एलसी क्या है, लिस्ट काउंट। देखो बेटा एलसी का फॉर्मूला क्या आपने बताया था कि एक एमएसडी, हाँ बेटा एक एमएसडी में से एक वीएसडी को घटा दो, एक एमएसडी में से एक वीएसडी को घटा दो, तो कहने का मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई करना है क्या। जब मुझे बोल रहा है एक्स माइनस वाई करना है तो इक्वेशन वन को देखो ध्यान से बेटा, क्या कह रहा है ये इक्वेशन वन हमारा, क्या ये इक्वेशन वन हमको ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि एक्स माइनस एम बाई एन टाइम्स वाई होगा, या एन बाई सॉरी वाई क्या हो गया हमारा, एक्स के बराबर होगा ना बेटा, एम बाई एन टाइम्स एक्स के बराबर होगा, हाँ यही हो गया क्या। तो आपका लिस्ट काउंट निकल गया यहां से, क्या निकला लिस्ट काउंट, वन माइनस एम बाई एन टाइम्स एक्स, यही है क्या लिस्ट काउंट। मतलब लिस्ट काउंट क्या निकल रहा है बताओ, लिस्ट काउंट आपका क्या निकल रहा है, मेरा जो लिस्ट काउंट है वो क्या निकल रहा है, वन माइनस एम स्केल, मतलब कि एम मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई एन मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन, उसमें से घटा दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं वही वर्नियर कैलिपर में अगर मैं वही बोल दूं कि इसको एन के टर्म्स में लिखो, मतलब वर्नियर स्केल के टर्म्स में लिखो, कौन सा वर्नियर स्केल होगा उसके टर्म्स में, तो कैसे लिखोगे,
इसको लिखोगे 1 माइनस एन माइनस 1, क्या लिखोगे बेटा, 1 माइनस एन माइनस 1 बाई एन टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स, ये आपका लिस्ट काउंट हो गया, ये क्या हो गया लिस्ट काउंट हो गया, क्या हो गया बेटा ये आपका लिस्ट काउंट हो गया, ठीक है, ये आपका लिस्ट काउंट हो गया, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला हालांकि अभी पढ़ना नहीं है पर फिर भी जान लो इलेवेंथ में आपको काम आएगा, ये लिस्ट काउंट का आपका फॉर्मूला हो गया, क्लियर, ये आपका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया वर्नियर कैलिपर के हिसाब से, ठीक है। अब मैंने बोला जीरो, जीरो का करेक्शन करना, जीरो करेक्शन या जीरो एरर क्या होता है, एक चीज होती है जीरो एरर, क्या होता है ये जीरो एरर, जब हम डिवाइस को करेक्टली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जब हम डिवाइस को करेक्टली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वर्नियर में, क्या होता है कि जो वर्नियर जीरो है वो कोइंसाइड नहीं कर पाता है मेन जीरो के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट में जब ये पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव हो जाए, मतलब दोनों जीरो कोइंसाइड नहीं करे, तो उसको बोलते हैं हम जीरो एरर, यानी कि जीरो कोइंसाइड नहीं करने के कारण जो एरर आता है उसको क्या बोलते हैं जीरो एरर। अब देखो बेटा जीरो एरर जो होता है ना इसका करेक्शन हम कैसे कर पाते हैं, जीरो करेक्शन के माध्यम से कर पाते हैं, तो जीरो करेक्शन क्या होता है, जीरो एरर हो गया, अब जीरो करेक्शन क्या होता है समझो, जीरो करेक्शन, जीरो करेक्शन तो मेरा जितना पॉजिटिव गया या जितना निगेटिव गया, मेरा जो जितना पॉजिटिव गया या जितना निगेटिव गया उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिविजन्स जो दिए हुए हैं उस डिवीजन जो कि मार्क किया हुआ मेरा किस पर मेन स्केल पर, वहां से कितना एडवांस गया या कितना पीछे छूट गया मेरा वर्नियर का स्केल, वर्नियर का जीरो, वहां से कितना पीछे छूट गया वर्नियर का जीरो, उसको घटा दो, उसको घटा दो, वो जो उसके आगे जितना भी कैलकुलेशन में आ रहा है आपका डिस्टेंस उसको घटा दो, तो आपको मिल जाएगा जीरो करेक्शन, क्या मिलेगा जीरो करेक्टेड वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्लियर, जीरो करेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। अगर जीरो करेक्शन मेरा पॉजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो वर्नियर डिवीजन है वर्नियर का जो जीरो है वो पीछे रह गया है, और अगर वो निगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि वर्नियर का जो जीरो है वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से आगे निकल गया है, मेन स्केल के जीरो से आगे निकल गया। देखो बेटा यहाँ पर समझो, अगर ये वाला जीरो जो है, ये वाला जीरो जो है ना, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो अगर आपका इधर आ जाता है यहाँ क्रॉस कर जाता है तो ये क्या हो गया निगेटिव जीरो करेक्शन हो जाएगा, निगेटिव जीरो करेक्शन हो जाएगा। अगर ये इधर रह जाता है पीछे रह जाता है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव जीरो करेक्शन होगा, क्या होगा बेटा पॉजिटिव जीरो करेक्शन होगा, पॉजिटिव जीरो करेक्शन होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो पहला चीज, तो आउटसाइड जॉ को हम लोग यूज करते हैं लेंथ ऑफ अ रॉड को कैलकुलेट करने में, डायमीटर ऑफ अ स्पीयर जो कि मैंने आपको अभी बताया, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर या स्पीयर को कैलकुलेट करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। इनसाइड जॉ जो होता है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप को कैलकुलेट करने में हम लोग करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका आउटसाइड जॉ, ये बाहर वाला जॉ हो गया, और ये क्या हो गया इनसाइड जॉ हो गया, इससे क्या होता है इससे हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर ये सब हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर या लेंथ ऑफ द डिवाइस कैलकुलेट कर पाते हैं। और वही अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे बेसिकली हम लोग डेप्थ कैलकुलेट कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं डेप्थ कैलकुलेट कर पाते हैं, यही इसका बात हो गया। दूसरा चीज क्या है, जो टी मैंने यूज किया था स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है ना, ये जो स्ट्रिप है इसका कहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है, स्ट्रिप को यूज करते हैं डेप्थ ऑफ द स्मॉल बीकर और बॉटल को यूज करने में, ठीक है, ये डेप्थ जो होता है उसको हमको मेजर करना है, तो उस डेप्थ को मेजर करते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिप को यूज करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रिप होता है उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और मेन स्केल क्या करता है, हमको मेन स्केल हमको हेल्प करता है लेंथ को करेक्टली अप टू 1 मिलीमीटर मेजर करने में, और वही वर्नियर स्केल हमको क्या करता है 0.1 mm तक में हमको लेंथ को करेक्टली मेजर करने में हेल्प करता है, 0.1 mm तक में। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 मीटर स्केल को अगर मैं स्लाइडिंग
स्केल के साथ अटैच कर दूं तो वही बन जाता है मेरा वर्नियर स्केल। क्या बन जाता है वो? वर्नियर स्केल बन जाता है। क्या बन जाता है वो? वर्नियर स्केल बन जाता है वो। क्लियर? हम लोग जीरो की बात की अभी, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर की बात की है। हमने बताया आपको जीरो पॉजिटिव जीरो क्या होता है या नेगेटिव जीरो क्या होता है। अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया कि लीस्ट काउंट क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ ऑन वर्नियर स्केल। मैंने आपको फॉर्मूला वाइज बताया था, आपको फॉर्मूला लिख लेना। पॉजिटिव जीरो क्या हो गया कि जब जॉ को मैं पुट करूंगा और वो राइट ऑफ द जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल से आ जाए। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बताया कि जीरो से राइट आ जाए तो वो वर्नियर स्केल, जब जीरो से राइट आ जाता है मेन स्केल का तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। और जीरो एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन जो कि मेरा कॉन्साइड करता है किसी भी डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ और उसमें लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? चलो, और जब मेरा पॉजिटिव जीरो होगा तो उसमें एरर हमेशा पॉजिटिव होगा, एरर हमेशा पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव जीरो करेक्शन या नेगेटिव जीरो एरर क्या है, जब मैं दोनों जॉब को एक टुगेदर करना चाहता हूँ और वहां पर जो मेरा जीरो मार्क है ऑन द वर्नियर स्केल वो क्या हो जाए, जीरो के लेफ्ट में रह जाए, मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में रह जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, निगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? निगेटिव एरर बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पर ऑलवेज निगेटिव एरर होता है मेरा। अब जीरो एरर सेम चीज कि मेन स्केल में से जो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल है, जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है उसमें से जो कॉन्साइड कर रहा है उसमें से टोटल नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन को माइनस कर दो, उसमें से टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल के डिवीजन को माइनस कर दो और उसको लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको जीरो एरर की वैल्यू उस केस में मिल जाएगी, जीरो एरर की वैल्यू उस केस में आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ हमको मेजर करना है विद द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर, विद द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर हमको लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो देखिए बेटा क्या होता है, इसमें दो तीन बातें होती हैं। पहली बात क्या है कि आपको जब भी इस तरह का लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, करना रहेगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि एक जो आपने ऑब्जर्व्ड लेंथ निकाली है, एक जो आपने ऑब्जर्व्ड लेंथ निकाली है उसको आप देखोगे कि वो क्या है। तो ऑब्जर्व्ड लेंथ क्या होता है बेटा, वो मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर डिवीजन का जो एक पॉइंट है जो कि कॉइंसाइड कर रहा है, जो कि कॉइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, इनटू एलसी कर दो, वही आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग आएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा मान लो कि ये मेन स्केल है, इस मेन स्केल पर ये जो मेरा वर्नियर स्केल है, ये जो मेरा वर्नियर स्केल है वो किस पॉइंट पर कॉइंसाइड कर रहा है, वो पॉइंट को निकालो, ठीक है? वो कौन सा डिवीजन उसका कॉइंसाइड कर रहा है उसमें क्या करो, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो वहां से आपको मिल जाएगा क्या, वहां से आपको ऑब्जर्व्ड लेंथ मिल जाएगा। अब ट्रू लेंथ और करेक्टेड लेंथ कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले उसके लिए जीरो एरर निकाल लो। जीरो एरर दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो प्लस का साइन लगाओ, नेगेटिव है तो माइनस का साइन लगाओ, और उसके बाद उसमें ऑब्जर्व्ड के लेंथ के साथ माइनस कर दो, ऑब्जर्व्ड लेंथ में से उसको घटा दो। आप जैसे ही ऑब्जर्व्ड लेंथ में से उसको घटाओगे तो आपको करेक्ट लेंथ या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जितने लोगों को समझ में नहीं आया चिंता मत करो, एक बार फिर से बता रहे हैं। देखो बेटा मैंने क्या किया, सपोज करो कि आपके पास एक पेन है, उस पेन की लेंथ को आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसको जॉ के बीच में पुट करोगे, दोनों जॉ के बीच में। आप जब उसको दोनों जॉ के बीच में पुट करोगे, आउटर जॉ, इनर जॉ नहीं, आउटर जॉ के बीच में, जब आप आउटर जॉ के बीच में उसको पुट करोगे तो वहां से आप क्या करोगे कि देखोगे, क्या करोगे बेटा, वहां से आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे। देखो यहाँ पर ध्यान से इस फिगर को देखो, आपने इस ऑब्जेक्ट को मान लो पुट कर दिया। अब मुझे इसका लेंथ कैलकुलेट करना है, मैं क्या करूंगा कि मैं मेन स्केल की रीडिंग लिखूंगा, मेन स्केल की रीडिंग मैंने लिख ली। अब मैं देखूंगा कि उसका कौन सा वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेरा कॉइंसाइड कर रहा है, वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेरा कॉइंसाइड कर रहा है, और उसको मैं लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं जब उसको लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी x प्लस डेल्टा वाई करके, x प्लस डेल्टा वाई।
और यही जो मेरी x प्लस डेल्टा वाई वाली वैल्यू होगी वही मेरा एग्जैक्ट वैल्यू होगा, किसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा, वो किसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा। अब देखिए बेटा ये तो आपने निकाल लिया एग्जैक्टली ऑब्जर्व वैल्यू आपने निकाल लिया, आपको जो लगा आपने निकाल लिया, लेकिन जो करेक्टेड वैल्यू होगी, करेक्टेड वैल्यू होगी या ट्रू वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे? तो निकालने का तरीका ये होता है कि हम ऑब्जर्व्ड लेंथ या ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से जीरो एरर ऑफ द डिवाइस को, जीरो एरर ऑफ द डिवाइस को घटा देंगे, जीरो एरर ऑफ द डिवाइस को घटा देंगे। और जैसे ही आप जीरो एरर ऑफ द डिवाइस को घटाओगे तो आपको वहां से एग्जैक्ट या ट्रू लेंथ ऑफ द डिवाइस मिल जाएगा, एग्जैक्ट या ट्रू लेंथ ऑफ द डिवाइस मिल जाएगा। क्लियर क्या? ठीक है, तो ये होता है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ये। ठीक है, अभी क्या होता है कि आप किसी भी बीकर का डेप्थ भी निकाल सकते हो, तो बीकर का डेप्थ आप कैसे निकालते हो? तो कुछ नहीं, बस उसका जो स्ट्रिप है ना, उस स्ट्रिप को, उसमें एक टी स्ट्रिप होती है स्केल के पीछे, उस स्ट्रिप को आप नीचे की ओर खींचते हो, मतलब डिवाइस के अंदर जो बीकर है उसके अंदर पुट करते हो। अब ये जो टी स्ट्रिप होता है वो उसके अंदर आता है, उसके बाद उसमें जो आपकी रीडिंग होती है मेन स्केल की और जो कॉन्साइडिंग वैल्यू होती है वर्नियर स्केल की, उसके साथ आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्नियर का यूज हमने बता दिया आपको, वर्नियर का यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं, जब मेरा जॉज ऑफ वर्नियर टच करता है ईच अदर, तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, मतलब कि वो एग्जैक्ट वैल्यू है, मोर प्रिसाइज एंड हाइएस्टली एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा यहाँ पर। और कंसीडर करिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपको मेजर करना है, वो एक रॉड है, तो रॉड जो है जिसका लेंथ हमको मेजर करना है, उसको क्या किया मैंने, आउटर जॉ ऑफ द वर्नियर के बीच में प्लेस कर दिया, आउटर जॉ ऑफ द वर्नियर के बीच में प्लेस कर दिया। तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी थी, मैंने क्या किया, टोटल रीडिंग लिखी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, अब ये जो वर्नियर रीडिंग होती है वो क्या होती है, वो पी इंटू लिस्ट काउंट होती है, और पी क्या होता है, मेरा वो डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल जो कि कॉन्साइड कर रहा है किसी भी मेन स्केल डिवीजन के साथ, किसी भी मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। क्लियर है क्या? तो आपने उस तरह से टोटल रीडिंग निकाल ली, और वही जो नेट रीडिंग या टोटल रीडिंग होगी वही आपका लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको बताएगा। यही तो मैंने आपको अभी बताया। हाँ, चलिए, तो ये तो बात हो गया कि जब आप एक्यूरेसी की बात कर रहे थे कब, 1/10 ऑफ द एमएम एक्यूरेसी की बात कर रहे थे, 1/10 एमएम ऑफ एक्यूरेसी की आप बात कर रहे थे। लेकिन जब आप 1/100 एमएम ऑफ एक्यूरेसी की बात करोगे, 1/100 एमएम ऑफ एक्यूरेसी की बात करोगे, तो वहां पर आप एक डिवाइस का यूज करते हो जो कि स्क्रू गॉज के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको? स्क्रू गॉज के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है? तो स्क्रू गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द डायामीटर ऑफ अ थिन वायर और द थिकनेस ऑफ द सीट ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है कि एक यू शेप्ड फ्रेम फिट होता है स्क्रूड स्पिंडल के साथ, जो कि अटैच होता है टू अ थिम्बल, मैंने हॉलो सिलेंडर के साथ एक जो रोटेटिंग आर्म होता है वो फिक्स किया जाता है और वो यू फ्रेम के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, ये जो होता है कि उस यू फ्रेम के अंदर जस्ट एकदम वर्नियर कैलिपर को याद करो, ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जो कि आपका सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, वो रोटेट करता है, तो रोटेटरी वर्नियर कैलिपर को क्या बोल सकते हैं अपन, रोटेटरी वर्नियर कैलिपर को अपन स्क्रू गॉज बोल सकते हैं। क्या समझ में आया? चलो ठीक है, तब इसका प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो स्क्रू गॉज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि मेरा जो पिच होगा स्क्रू का वो क्या बताता है, पिच ऑफ द स्क्रू क्या होता है, जो डिस्टेंस मेरे स्क्रू ने अपनी एक्सिस के अलोंग मूव किया कि कब, जब उसने एक कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म किया, जब उसने कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म किया। तो जनरली ये क्या होता है, ये 1 mm और 0.5 mm के बराबर होता है, ये 1 mm या 0.5 mm के बराबर होता है, 1 mm या 0.5 mm के बराबर होता है। क्लियर,
लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू क्या होता है, ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो कि एक सर्कुलर स्केल को वन डिवीजन मूव करने में या रोटेट करने में हमको कवर करना पड़ा। मतलब पिच ऑफ द स्क्रू बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ये मेरा क्या हो गया, लीस्ट काउंट, ये मेरा क्या हो गया, लीस्ट काउंट। देखो देखो यहाँ पर ये है आपका सर्कुलर स्केल, ये वाला पोर्शन, ये आपका यहाँ पर सर्कुलर स्केल है। अब ये जो सर्कुलर स्केल है उसमें जितने डिवीजन आपके दिए हुए हैं वो आपका डिवीजन कितना मूव किया, यहाँ पर ये कितना मूव किया, मेन स्केल में कितना मूव किया, उसको आप निकालोगे, उसमें जहाँ पर वो कंसाइड करेगा वो आपका लिस्ट काउंट निकल जाएगा वहाँ से। क्लियर क्लियर। चलो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक रेसेट होता है, ठीक है। वो रेसेट क्या होता है, उसको हम लोग क्या यूज करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो जब तक मेरा दोनों जो स्पिंडल है और स्टूड है, मतलब कि जो यू शेप्ड फ्रेम है उसके बीच में एग्जैक्टली फिट ना हो जाए कम्प्लीटली, तब तक उसको रोटेट करने में हमको हेल्प करता है ये, या उसको स्क्रू करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब स्लीव क्या होता है, स्लीव आप अपना फिगर एक बार क्या करोगे, देखते चलोगे बुक में। स्लीव क्या होता है, स्लीव उसका हम लोग यूज क्या करते हैं, उसको मेन स्केल के साथ मार्क करने में और बेस लाइन को मार्क करने में हम लोग यूज करते हैं। थिम्बल क्या होता है, सर्कुलर स्केल को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। मेन स्केल हमको क्या करता है, लेंथ को करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर बताने में हेल्प करता है, और वहीं जो मेरा सर्कुलर शेप का स्केल होता है वो 0.01 मिलीमीटर तक के एक्यूरेट वैल्यू बताने में हमको हेल्प करता है, एक्यूरेट वैल्यू बताने में हमको हेल्प करता है। क्लियर। तब इस स्क्रू गॉज का एक लिस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पिच ऑफ द स्क्रू गॉज निकाल लो, पिच ऑफ द स्क्रू गॉज निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। पिच ऑफ द स्क्रू गॉज क्या होता है, वो जो मेन स्केल या लीनियर स्केल जो दिया हुआ है ना उस पर कितना सर्कुलर स्केल ने एक रिवोल्यूशन कवर करने में हाइड आउट किया, वही आपका पिच हो गया, वही आपका पिच हो गया। मतलब कि सर्कुलर स्केल को जब आप एक बार रोटेट करोगे तो वो जिस पॉइंट पर आके कोइंसाइड करेगा उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, पिच बोलोगे, उस पॉइंट को क्या बोलोगे, पिच बोलोगे। क्लियर क्लियर। चलो जीरो एरर स्क्रू गॉज के केस में क्या होता है बेटा, जीरो एरर स्क्रू गॉज के केस में जीरो एरर। देखो दो तरह का एरर इसमें भी होता है, वही पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। जब मैं अपने स्पिंडल को और स्टूड को दोनों को साथ में लाऊंगा और जीरो मार्क मेरा सर्कुलर स्केल का बिलो द बेस लाइन ऑफ मेन स्केल हो जाए तो मेरा जीरो एरर स्केल, जीरो एरर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड करता है बेस लाइन के साथ इनटू लिस्ट काउंट कर दो तो जीरो एरर मिल जाएगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ जीरो एरर क्या होता है, हमेशा इस तरह के केस में पॉजिटिव होता है, इस तरह के केस में हमेशा वो पॉजिटिव होता है। वहीं अगर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो कोइंसाइड नहीं करता है बेस लाइन के साथ तब आप क्या देखोगे, और वो पीछे रह जाता है तो जितना टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसको घटा दो जो सर्कुलर स्केल डिवीजन मेरा कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन के साथ उसमें से, और आप लिस्ट काउंट निकाल लो और आप लिस्ट काउंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको बेटा, जीरो एरर वहां से मिल जाएगा। और इस केस में जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस केस में जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, जीरो एरर नेगेटिव होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग इससे एक डिवाइस जो है उसका डायमीटर को एक ऑब्जेक्ट का कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जर्व डायमीटर निकालो, तो ऑब्जर्व डायमीटर का कहने का मतलब क्या हुआ कि मेन स्केल रीडिंग को निकालो और सर्कुलर स्केल डिवीजन में जो भी मेरा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन ऑफ मेन स्केल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो लिस्ट काउंट के साथ तो आपको मिल जाएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब क्या करो, आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से जीरो एरर को विद साइन घटा दो तो आपको मिल जाएगा ट्रू वैल्यू या करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है बैकलेस एरर, बैकलेस एरर। ये बैकलेस एरर क्या होता है, देखो क्या होता है ना कि हम लोग जब कंटिन्यूसली इस तरह का यूज करते हैं तो उसमें एक क्रैप आ जाता है,
क्रीप आ जाता है, क्रीप। वो क्रीप क्या होता है, वो क्रीप जो होता है स्क्रू में वो वियर और टियर हो जाता है, उसके कारण थ्रेड हमारा डैमेज हो जाता है, जो रोटेटिंग थ्रेड होता है ना, रोटेटरी थ्रेड्स, वो डैमेज हो जाता है। अब उसके डैमेज होने के कारण क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है उसको जब हम रिवर्स करते हैं तो टिप ऑफ द स्क्रू जो है वो मूव नहीं करता है या रोटेट नहीं करता है अपोजिट डायरेक्शन में, सडनली वो स्टेशनरी रहना पसंद करता है, ठीक है। लेकिन वो जब हम थोड़ा दो तीन बार और करेंगे तो वो हो जाता है। लेकिन बेटा हमको तो कम्प्लीटली एक रिवोल्यूशन की बात करनी थी। अब मैंने जब उसको दो बार किया या तीन बार किया तब जाके वो हुआ, तो ये एरर क्यों आता है, डिवाइस को हम लगातार यूज करते हैं तो वो थ्रेड घिस जाता है, और थ्रेड जब मेरा घिस जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि टिप में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, और जब रोटेशन पॉसिबल नहीं होता तो वो स्टेशनरी रहना पसंद करता है, और जब हम वो स्टेशनरी रहना पसंद करता है तो हमको वहाँ पर एरर एक डिवाइस में ऐसे ही आ जाती है, ठीक है। अब इस तरह के डिवाइस में एरर जो आते हैं उसको हमको कैसे नेग्लेक्ट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रू को हम लोग रोटेट करेंगे वन डायरेक्शन में, कोई भी मेजरमेंट लेते हुए हमको एक सिंगल डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट करना चाहिए। अब आप क्या करोगे कि मान लो आपने उसको रोटेट किया, फिर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करो, इससे क्या होता है कि आपका जो स्क्रू होता है उसका थ्रेड खत्म हो जाता है, थ्रेड घिस जाता है, और थ्रेड घिस जाने के बाद तो वो तो कुछ भी आपको वैल्यू देगा तो वो एग्जैक्ट नहीं होगा या एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइस एरर, बैकलेस एरर या डिवाइस एरर, क्लियर। चलिए आया क्या, आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम का मेजरमेंट बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं। देखो एक बॉडी जो है, एक बॉडी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है क्यूबिक मीटर। जनरली जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का उसको एक्सप्रेस करते हैं लीटर में, मतलब कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। अब वॉल्यूम निकालने का सबसे अच्छा तरीका, वॉल्यूम का मेजरमेंट करने का, वो है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड या वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट लेते हैं, इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको वाटर में डिस्प्लेस कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं, मतलब डुबा देते हैं, ठीक है। अब उसका जो जो वॉल्यूम होता है उसका कुछ तो वॉल्यूम उसने रखा होगा, ऑक्यूपाई किया होगा, कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर उसने निकाल दिया होगा जब उसको इमर्स करोगे तो वही वॉल्यूम आपको क्या होगा कि क्लियरली वो बताता है कि आपका वॉल्यूम ऑफ द डिवाइस क्या हो गया, मतलब कि शेप ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो मिल गया। अब जब आपको उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू मिल जाएगा तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और इसको बेसिकली हम लोग सी एफ एन आई एन डी से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए सी एफ एन आई एन डी का सबसे पहला स्टेप सी, क्लीन मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को क्लीन कीजिए, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो हम सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर को हमको क्लीन कर लेना चाहिए। तो वो क्लीन मेजरिंग सिलेंडर जो हमारा होगा वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, उस सिलेंडर को फिल आउट करूँगा वाटर के साथ उसको मैं फिल आउट करूँगा, फिर मैं लोअर मेनिसेस ऑफ वाटर को रीड करूँगा, उसकी रीडिंग को नोट करूँगा, जो लोअर लिमिट होगी वाटर की उसको मैं रीड करूँगा, मतलब कि जिस पॉइंट पर मेरा वाटर लेवल मेंटेन्ड है, जिस पॉइंट पर मेरा वाटर लेवल मेंटेन्ड है, ठीक है। अब ये जो मेरा, इसमें क्या होता है कि सॉलिड विद द हेल्प ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर विदाउट स्प्लैशिंग द वाटर। अब मैं क्या करता हूँ कि वाटर में कोई ज़्यादा इफेक्टिव फोर्स, बायोवेंट फोर्स लगाए हुए, बायोवेंट तो खैर अंदर जाने के बाद लगेगा ही, तो मैं उसमें कोई भी पार्टिकल को जब इमर्स कर रहा हूँ तो इमर्सिव फोर्स नहीं लगाते हुए स्लोली मैं क्या करूँगा कि एक सॉलिड सिलेंडर हो या क्यूब हो उसको मैं क्या करूँगा, क्यूब को या किसी को मैं इंसर्ट कर दिया, किसमें, जिस सिलेंडर में मैंने वाटर रखा था उसमें। अब वो क्या होगा कि वो मेरा वाटर को, जो मेरा वाटर का लेयर था, जो वाटर का लेयर था उसको इफेक्ट करेगा। देखो ध्यान से क्या करेगा, वो
देखो ध्यान से यहाँ पर बच्चे से देखो बेटा, समझो इसको, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये आपका एक मिनट देखो बेटा, ये देखो बेटा इसमें मैंने क्या किया, मान लो कि मैंने इसमें ये वाटर भर दिया, ठीक है, इसको मैं फिल कर देता हूँ विद वाटर, इसको मैं विद वाटर फिल कर देता हूँ, यहां तक मैंने इसको वाटर से फिल कर दिया, ठीक है, जो मेरा ये वाटर से फिल हो गया है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं इसमें जो है सेकंड स्टेप, ये हो गया स्टेप वन, सेकंड स्टेप देखिए बेटा, इसी बीकर या इसी कंटेनर में देखो बेटा, मैंने फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, अरे यार सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया कि मैंने एक स्टैंड लिया, उससे मैंने, ठीक है, उस पर मैंने क्या किया है कि अब इस स्टैंड से मैंने एक ऑब्जेक्ट को विद अ थ्रेड पकड़ के इमर्स कर दिया। मान लो कि ये सिलेंड्रिकल है, इसको मैंने इमर्स कर दिया, इस सिलेंडर को, ठीक है। अब मैं जब इसको इमर्स करूँगा तो ये जो वाटर था देखिए बेटा, इसका लेवल देखिए, ये लेवल को कुछ तो ये तो कम करेगा, ये जो सिलेंडर मेरा इमर्स होगा, मान लो कि ये कंप्लीटली आपका इमर्स हो गया, तो ये आपका क्या किया, इतने दूर तक में इसके इमर्स होने के कारण, मानो कि ये पूरा फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, ठीक है, ये फुल्ली फील्ड है, इसको भी फुल्ली फील्ड कर दो, ये भी फुल्ली फील्ड कर दो, क्या दिख रहा है बेटा, फुल्ली फील्ड कर दिए इसको, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो सिलेंडर है, इसने यहाँ पर क्या किया, ये अपना जो साइज है उसके बराबर, अपना जो साइज है उसके बराबर वाटर को ये कटा देगा, उसका लेवल को, अभी इसमें वाटर का लेवल में चेंज आएगा जब मैं इसको निकालूंगा, तो जब मैं इसको निकालूंगा तब मेरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस, जब मैं इसको निकालूंगा तो आप देखोगे कि वाटर का जो लेवल था, वाटर का जो मेरा लेवल था
वो घट गया है। वाटर का जो मेरा लेवल था, जो मेरा वाटर का लेवल था वो इस केस में घट गया है, वो इस केस में घट गया है। अब ये फुल्ली फिल्ड नहीं होके मान लो कि कुछ इस दूरी तक आ गया है पानी, ठीक है। तो अपन बोल देते हैं कि ये जो था मेरा केस, अब देखो तीनों केस को ध्यान से, जब ये था तो अपन बोल देते हैं कि ये जो वाटर था वो एक्स लेवल तक था। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्स वन था तो ये एक्स टू हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने एक्स वन और एक्स टू करके दोनों रीडिंग्स को नोट कर लिया, दोनों रीडिंग को नोट कर लिया, ठीक है, दोनों रीडिंग को हमने नोट कर लिया। अब मैं इन दोनों रीडिंग्स को मैं घटा दूंगा, तो एक्स वन में से एक्स टू को घटा दो, एक्स वन में से एक्स टू को घटा दो, ठीक है, जो हायर वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यू को घटा दो, तो आपको वहां से वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मिल जाएगा। ये स्फीयर की वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मेथड या वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, मान लो कि इसने जो है आपका डेल्टा एक्स वॉल्यूम ऑफ वाटर तो जरूर डिस्प्लेस कर दिया होगा, तो वही जो डेल्टा एक्स वाटर इसने डिस्प्लेस किया, वही डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाता है, वही डेल्टा एक्स इसकी वॉल्यूम हो गई, वही डेल्टा एक्स इसकी वॉल्यूम हो गई, वही डेल्टा एक्स इसकी वॉल्यूम हो गई, वही डेल्टा एक्स इसकी वॉल्यूम हो गई। क्लियर है क्या, वही डेल्टा एक्स इसकी वॉल्यूम हो गई, क्लियर है क्या, वही डेल्टा एक्स इसकी वैल्यू हो गई, क्लियर। चलो अब इसमें देखो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन सॉलिड जो कि वाटर से लाइटर हो, जैसे कि पीस ऑफ क्वार्क, वो क्या हो जाता है, वो सिंक कर जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग एक सिंकर का यूज करेंगे जो कि हैवी हो, इनसॉल्यूबल हो वाटर में, जैसे कि स्टोन को यूज कर लिया या पीस ऑफ मेटल हो गया, ठीक है, पीस ऑफ मेटल को यूज कर लिया। तो वाटर जब उस केस में लाइटर होगा तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब हमको निकालना पड़ेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, रीडिंग ऑफ वाटर लेवल विद द सिंकर निकालेंगे माइनस रीडिंग ऑफ लेट वाटर लेवल व्हेन द सिंकर इज इमर्स्ड अलोन। जब मैं सिंकर को सिर्फ डालूंगा तब और सॉलिड के साथ जब डालूंगा तब, तो उससे क्या होगा कि मुझे सिंकर का वॉल्यूम मिल गया, सिंकर का वॉल्यूम मिल गया, सॉलिड प्लस सिंकर का वॉल्यूम मिल गया, सॉलिड प्लस सिंकर का वॉल्यूम मिल जाएगा, सॉलिड प्लस सिंकर के वॉल्यूम में से इसको घटा दो, सिंकर का वॉल्यूम को घटा दो, तो आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मिल जाएगा, तो आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मिल जाएगा, क्लियर है क्या। अब सॉलिड सॉल्युबल जो होगा वाटर में उसके केस में, जो सॉलिड सॉल्युबल होगा वाटर में उसके केस में, जैसे शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, वहां पर हम वाटर को किसी दूसरे लिक्विड से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल से रिप्लेस कर दो, और क्या होगा कि इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि लेसर डेंसिटी वाले लिक्विड के साथ रिप्लेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, लेसर डेंसिटी वाले लिक्विड के साथ रिप्लेस करना चाहिए। तो वहां पर जो गिवन सॉलिड होता है, गिवन सॉलिड होता है उसमें क्या होगा कि सॉलिड के साथ भी वो लेसर डेंसिटी का हो जाएगा। अब जब वो सॉलिड के साथ उसका डेंसिटी कम हो जाएगा सॉलिड के साथ, तो ऑब्वियसली वो सॉलिड में इनसॉल्युबल होगा, और जब वो उसमें इनसॉल्युबल होगा तो अपन आसानी से उसकी रीडिंग निकाल के वहां से उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, आगे बढ़ते हैं। चलो टाइम है और सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट क्या है, टाइम और सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो टाइम को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो टाइम क्या है, तो टाइम जो है वो गैप बिटवीन दो इवेंट्स, दो इवेंट के बीच का जो गैप होता है ना, दो इवेंट के बीच का गैप जो होता है एक्स क्या ड्यूरेशन है उसको छोड़ के, उसको हम बोलते हैं टाइम, ठीक है। और इसको हम लोग मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन डे, वन रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस डिवाइडेड इनटू 24 यूनिट्स कॉल्ड आवर्स, ठीक है। तो अपन इसको टाइम को मेजर करते हैं आवर्स में, जहां पर आवर मेरा क्या होता है, एक एक आवर मेरा 1/24th यूनिट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, क्लियर।
तो मेजरमेंट ऑफ टाइम अब हम लोग कैसे करते हैं, तो बेसिकली कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट है स्टॉप वॉच। ये सर्कुलर डायल को कंसिस्ट करता है जिसको 60 इक्वल डिविजन्स में हम लोग बांट देते हैं, जिसमें कि एक डिवीजन का वैल्यू 1 सेकेंड होता है, तो अपन उसको फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, 1 सेकेंड के हिसाब से अपन सेकेंड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं स्टॉप वॉच में। स्टॉप क्लॉक, ये टेबल क्लॉक होता है जो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है स्टॉप वॉच, और इसमें क्या होता है स्टॉप वॉच बहुत छोटा होता है, उसको हैंड पिक कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप क्लॉक क्या होता है कि वो टेबल पर रखने वाला होता है, सेम टाइम जो होता है अप टू 1 सेकेंड तक का इसका एक्यूरेसी होता है एज लाइक द स्टॉप वॉच, ठीक है। तो एक तरह से ये स्टॉप वॉच का बड़ा भाई है, ठीक है। अब आते हैं एक डिवाइस होती है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक हेवी पॉइंट मास है जिसको अपन बोलते हैं बॉब, उसको सस्पेंड कर दिया गया रिजिड सपोर्ट के साथ मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। तो जब आप एक बॉब को एक रिजिड सपोर्ट के साथ रिजिड बेस के साथ अटैच कर देते हो विद मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के थ्रू, तो उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और एक डिवाइस होती है कंपाउंड पेंडुलम। क्या होती है ये कंपाउंड पेंडुलम, तो ये जो ऑसिलेट करने की एबिलिटी अगर अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखती है, जब पेंडुलम मेरा अपने एक्सिस पर ऑसिलेट करने की कैपेसिटी रखती है हॉरिजॉन्टली, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड पेंडुलम। और ये जो ऑसिलेशन होता है इसमें खुद को वो पास ऑन कर जाता है, खुद को वो पास ऑन कर जाता है। और सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जब मेरा इक्वल टू 2 सेकेंड्स हो जाए, जब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस मेरा इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाए कंपाउंड पेंडुलम के केस में, तो उसको बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम, उसको बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम, क्लियर। मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम का यूज करके हम लोग कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेसिकली देखिए टाइम पीरियड जो होता है ऑसिलेशन का वो स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, यहाँ पर ये जो एल होता है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्क्वायर रूट ऑफ द, सॉरी यहाँ पर रूट छूट गया है, स्क्वायर रूट ऑफ द इसका ग्रेविटी का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप क्या देख रहे हो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस पर डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मेरा डिपेंड करता है रूट अंडर एल बाई जी पर, रूट अंडर एल बाई जी पर, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल बाई जी से अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द मटेरियल कितना है, मतलब कि बॉब का मास कितना है उससे उसको मतलब ही नहीं है। एक्सटेंट ऑफ स्विंग ऑन आइदर साइड, मतलब कि एम्पलीट्यूड 2π√LG पर वो डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारा 2π√LG पर डिपेंड नहीं करता है, रूट अंडर एल बाई जी पर डिपेंड नहीं करता है, क्लियर। तो आप ऐसे इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो विद द यूज ऑफ सिंपल पेंडुलम, विद द यूज ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्लियर। चलो मास, मास क्या होता है, मास बेसिकली एक बॉडी का वो क्वांटिटी है जो कि मैटर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है, मैटर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है कि मतलब कितना मैटर उस बॉडी में मौजूद है, मतलब कितना मैटर उस बॉडी में मौजूद है। इसको हम लोग बहुत तरह से मेजर कर सकते हैं, दो बहुत सारा बैलेंसेज होता है, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस, ठीक है, इस तरह के बैलेंस होते हैं, उसका यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, केजी, ठीक है। तो अपन देखेंगे एक चीज होती है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस क्या होता है कि मोमेंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो कि इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि मोमेंट ड्यू टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट वन साइड ऑफ द बीम वो इक्वल होता है मोमेंट ड्यू टू द स्टैंडर्ड वेट ऑफ द अदर साइड ऑफ द बीम। बीम एक्चुअली वो तराजू को बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो इसमें अपना ये एक पार्ट हो गया, एक पोर्शन ये हो गया और दूसरा पोर्शन ये हो गया। तो अपन अगर इसको स्टैंडर्ड वेट बोल देते हैं, इसका जितना मोमेंट है इतना ही, अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका उतना ही अगर मोमेंट होगा तो वो अपना क्या होता है कि बैलेंस होना चाहिए। तो जब ये दोनों बैलेंस हो जाता है, मतलब कि दोनों इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, दोनों इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, स्टेबल हो जाता है,
दोनों स्टेबल हो जाता है, मतलब कि दोनों के बीच का जो हाइट हो वो सेम हो जाए, दोनों का जो हाइट है जब उसको हम एयर में ये करेंगे पुट करें एयर में उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसका हाइट जो दोनों का सेम हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम या स्टेबल स्टेट में हो जाएगा। अब उसके केस में क्या होगा कि दोनों साइड में जो वेट हम कहेंगे बराबर हो जाएगा, दोनों साइड में जो वेट है वो हम कहेंगे बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो स्टैंडर्ड वेट के बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड वेट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो एक मोमेंट जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है और दूसरा मोमेंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर, एक मोमेंट क्लॉकवाइज होता है और दूसरा मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। जनरली जो दुकानदार होते हैं जो ज्यादा तेज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि इस बीम में ऐसी घपलाबाजी करते हैं, देखो उनको भी फिजिक्स पता है, वो घपलाबाजी कैसे करते हैं कि दोनों को क्लॉकवाइज ही बांध देते हैं। जब वो दोनों को क्लॉकवाइज रखते हैं तो उससे क्या होता है कि बीम में जो कैलकुलेशन होता है उसमें एरर आती है, और जब वो एरर आती है तो वो बैलेंस्ड नहीं होता है, और जब वो बैलेंस नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका जो स्ट्रिंग होता है, ये जो स्ट्रिंग होता है ना जो होल्ड करता है, वो एक साइड थोड़ा ज्यादा ऐसा झुका हुआ टाइप का रहेगा, मतलब कि वो कुछ इस तरह से रहेगा, उसको रहना इस तरह से था पर वो एक पर्टिकुलर एंगल पर एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर थीटा पर एक्सटेंड कर जाता है, और जब वो थीटा पर एक्सटेंड कर जाएगा तो वो वेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के वेट के साइड में ज्यादा झुका हुआ लगेगा, तो आपको लगेगा अरे उसने तो ज्यादा सामान दे दिया है, तो आप खुश हो जाओगे, और आप जब खुश हो जाओगे तो आपको आप ये इसलिए खुश हो जाओगे क्योंकि आपको लग रहा है कि वहां पर उसने ज्यादा वेट दे दिया है, पर वो तो ज्यादा होशियार है, उसने तो फिजिक्स पर रखी है, दुकानदार ने तो फिजिक्स का प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया अपनी चोरी करने के लिए। तो अगर आप फिजिक्स पढ़े हुए रहोगे मेजरमेंट की तो आप क्या करोगे, वो एंगल देखोगे, बोलोगे भाई तू मुझे बेवकूफ मत बना, तूने क्या किया है कि बीम बैलेंस के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, और जब तू बीम बैलेंस के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है तो तूने क्या किया, मुझे वेट जितना देना था उससे कम वेट दिया है तूने, तो भाई अब तू क्या कर कि इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन कर, मतलब कि एक को क्लॉकवाइज रख और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रख। अब उसको तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में नहीं आएगा, तो उसको बताना कि ये जो स्ट्रिंग तेरा इधर उठ रहा है ना उसको दोनों को बराबर कर, तो ये लोग क्या करते हैं उसको फंसा देते हैं, तो एक तरफ से स्ट्रिंग ऊंची हो जाती है दूसरी तरफ से नीची रह जाती है, तो इसके कारण क्या होता है कि आपको लगता है कि ज्यादा वेट मिल गया पर वो वेट में डंडी मार जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बाजार में डंडी मार से बच सकते हो। आया क्या, वही मैं आपको प्रिकॉशन बता रहा हूँ। पहला चीज होता है चिपिंग, तो चिपिंग में क्या होता है कि लीवर जो होता है उसको जेंटली अपन टर्न करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द नाइफ एजेस, वो चिपिंग से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं लीवर्स को जेंटली टर्न करते हैं, मतलब वो जो घुमाते हैं ना तराजू को निकालते हैं तो उसको देखते हो हवा में घुमाते हैं, वो तो हवा में जब घुमाते हैं तो देखना वहां पर एक का स्पिन जो है दूसरे के स्पिन के अपोजिट होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो समझ लो कि आपके साथ धोखा होने वाला है। दूसरी बात, बीम शुड बी लोअर्ड बिफोर एडिंग और रिमूविंग वेट्स फ्रॉम द पैन। अब उसको हवा में रख के अगर वो ये करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि वेट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, लेकिन वही अगर उसको जमीन पर रख के फिर उसमें वेट डालोगे फिर उसको पुट करोगे तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो सी और एल, ठीक है, वेट शुड बी कैरीड विथ फोर्सेप्स, फोर्सेप्स के साथ उसको वेट को अपन को कैरी करना चाहिए। ठीक है, वेट जो है ना उसका फोर्सेप के साथ उसको कैरी करोगे तो तुम्हारा वेट जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ मैचअप करता हुआ वेट का वैल्यू आएगा। ठीक है, व्हेन नियर द एक्चुअल वेट द वेट शुड ऑलवेज बी ट्राइड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वहां पर जब आपका नियर बाई हो तो वहां पर क्या करो वेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने का प्रयास करो। ठीक है, वेट एंड हॉट ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी केप्ट ऑन द पैन, कभी भी पैन पर गीली या फिर गर्म चीजें मत रखो क्योंकि उससे आपको वेरिएशन इन वेट मिलेगा। गीली चीजें जो होती हैं उनमें क्या होता है कि एडिशनल मास कंटेंट जो लगता है हमको वो होता है, पर वो बाद में जो मास होता है वो वाटर के रिमूवल के साथ खत्म हो जाता है, तो हमको लगता है कि मास हमारे पास ज्यादा आ गया है। तो सब्जी वाले जो होते हैं, सब्जी वाले लोग जनरली क्या करते हैं उस पर पानी मार मार के एकदम उसका वेट बढ़ा देते हैं, फिर जब आप उसको घर ले जाते हो तो लगता है कि अरे मैं तो लेके आया था 1 kg, अब ये तो रह गया 750 ग्राम, वो रह गया 750 ग्राम। तो कभी भी गीली चीजें ना लिया करो और कभी भी गर्म चीजों को ऐसा मेजर मत करो क्योंकि उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है गर्म चीजों का वो बढ़ा हुआ होता है ड्यू टू हीट, हीट होने के कारण मोशन का पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर मोशन बहुत ज्यादा होता है,
और जब मोशन का कॉन्टेक्स्ट ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ज्यादा होता है। जब वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ज्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ज्यादा होता है तो मोशन में रैंडमनेस और रैंडमनेस ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हुए रहते हैं और एक दूसरे के मास को डिस्टर्ब करते हुए रहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वेट जो होता है, वेट हमारा डायनेमिक हो जाता है। जब तक हमारा स्टैटिक वेट होता है तब तक क्या होता है कि हमारा वेट एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आता है, या नियर टू द एग्जैक्ट वैल्यू, या एक्यूरेट या प्रिसाइज वैल्यू मिलती है। पर अगर हमारा वेट डायनेमिक हो तो वहां पर उसका मतलब यह है कि मास मेरा डायनेमिक है ड्यू टू हीट। ड्यू टू हीट जब मेरा मास डायनेमिक होगा तो मेरा वेट कभी भी एग्जैक्ट या ट्रू वेट नहीं आएगा। तो इसलिए हमको कभी भी गर्म चीजों का मेजरमेंट नहीं कराना चाहिए। क्लियर है क्या? वेट शुड बी रिप्लेस्ड इन टू द वेट बॉक्स आफ्टर वेइंग। जब वेट है उसको हमको हटा देना चाहिए जब मेरा वेइंग हो गया उसके बाद, क्योंकि अगर अपन उसके ऊपर रख देंगे, रखे रहेंगे, तो क्या होगा कि मेरा जो पैन है ना वो एक तरफ झुक जाएगा। जिस साइड हमने वेट रखा था ना उस साइड वो झुका रह जाएगा, तो उसके इम्पैक्ट के कारण क्या होगा कि वो अपना कुछ ऐसा वेरिएशन शो करेगा कि आप कितना भी वेट डालोगे तो आपको लगेगा कि कम है, आपको लगेगा कि वो कम है। क्लियर है क्या? तो ये हो गया CLFDWR प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग द बीम बैलेंस। CLFDWR प्रिंसिपल ऑफ बीम बैलेंस यानी कि चिपिंग लोअर्ड फोर्स एफ, चिपिंग लोअर फोर्स एफ, डिसेंडिंग वेट रिप्लेस्ड प्रिंसिपल, इसको अपन बोलते हैं चिपिंग लोअर्ड फोर्स एफ डिसेंडिंग वेट रिप्लेस्ड प्रिंसिपल। क्लियर? तो ये है आपका प्रिकॉशंस जिसका आपको यूज करना चाहिए। ट्रू बैलेंस का कुछ कुछ कंडीशंस होता है, दोनों बैलेंस का आर्म लेंथ सेम होना चाहिए, दोनों बैलेंस का आर्म लेंथ सेम होना चाहिए, और पेन जो है ना दोनों का, दोनों पेन जो होता है इक्वल वेट का होना चाहिए, दोनों पेन हमारा जो होता है वो इक्वल वेट का होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है। मतलब आपका वहां पर क्या होगा कि एक जो अगर लेंथ भी ज्यादा हो गया तो एक ज्यादा थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, दूसरा थोड़ा सा कम झुका हुआ रहेगा, ठीक है। वेट भी ज्यादा होगा तो एक ज्यादा झुका हुआ रहेगा और दूसरा थोड़ा कम झुका हुआ रहेगा, तो इसके कारण क्या होगा आपके साथ धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा हो सकती है, आपके साथ धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताया था पैरेलेक्स, ध्यान से सुनना बेटा, पैरेलेक्स क्या होता है? पैरेलेक्स बेटा जब बहुत दूर की चीजें होती है ना, जब बहुत दूर की चीजें होती हैं तो उनको मेजर करने के लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग टू पॉइंट कंसिडरेशंस लेते हैं, मतलब कि एक ट्राइंगुलर शेप का हमारा फॉर्मेशन होता है, और जब हमारे पास हम लोग दो पॉइंट्स को देखते हैं, उन दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उससे हमको उस ऑब्जेक्ट का लेंथ मिल जाता है। यही मेरा पैरेलेक्स मेथड है, ठीक है, पैरेलेक्स मेथड है। कभी आपकी जो लाइव सेशन की क्लास जब होगी तो लाइव सेशन की क्लास में मैं पैरेलेक्स मेथड का पूरा मेथडोलॉजी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट मैं वर्नियर कैलिपर और जो स्क्रू गॉज वगैरह है उसको भी लाइव क्लास में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। तो अभी आपका काम क्या रहेगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप लोग बनाएंगे, जो भी डाउट्स वगैरह होगा उसको आप लोग रिजॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। स्टॉप।